आगे भरतपुर के डीक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहाड़ी थाना इलाके के नागल क्रेशर जोन में एक बड़ा हादसा हुआ है। अवैध खनन के दौरान पहाड़ गिरा है, एक डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई है। लंबे समय से किया जा रहा था यह अवैध खनन, अभी भी दबी हुई पहाड़ के नीचे मशीनरी, आपको बता दें रात के अंधेरे में किया जा रहा था यह अवैध खनन। बड़ी खबर, लंबे समय से यह अवैध खनन किया जा रहा है। भरतपुर के डीक से खबर आपको दे रही है, अवैध खनन के दौरान पहाड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई है। आपको बता दें एक डंपर चालक की मौत बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, लंबे समय से यह अवैध खनन हो रहा है, इसकी शिकायतें भी लगातार की गई। अभी भी पहाड़ के नीचे मशीनरी दबी हुई है। दीपक पुरी संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। दीपक, देखिए जानकारी सामने आई है कि अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के दौरान एक डंपर चालक की मौत हो गई है। देखिए बिल्कुल, ये जो हादसा है वो पहाड़ी थाना इलाके का जो नांगल क्रेशर जोन है वहाँ अवैध खनन के दौरान हुआ है, जहाँ लंबे स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था और तभी अचानक जो पहाड़ है वो भरभरा कर गिर गया, जिससे नीचे जो काम कर रहे थे मजदूर वो दब गए, डंपर दबे और पोकलैन मशीन थी वो अन्य सामान नीचे दब गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद एक जो डंपर चालक है उसको बाहर निकाला गया लेकिन उसकी मौत हो गई। दो अन्य डंपर जो मजदूर थे वहां पर वो भी दबे हुए थे, उनको बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से ये अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन, किसी को भी ये अवैध खनन करता हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये हादसा हुआ उसके बाद सबकी आंखें खुली और वो वहां पर पहुंचे। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है खनिज विभाग और वहां पर जो रॉयल्टी संचालक है उनकी मिली भगत से ये जो अवैध खनन है वो वहां पर चलाया जा रहा था और लंबे स्तर पर अवैध खनन वहां पर किया जाता है। करीबन 200 फीट से भी अधिक नीचे की जो गहराई है उसको खनन माफियाओं ने पार कर दिया है, नीचे जमीन से पानी निकलने लगा है, इतना अवैध खनन वहां पर किया जाता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी रोकथाम नहीं लगी है। ये हादसा हुआ, इससे पहले भी एक बड़ा हादसा देखने को मिला था, इसी तरीके से अवैध खनन की जो खुदाई हो रही थी उसके कारण जब उसको विस्फोट किया गया तो जो पहाड़ था वो गिर गया, जिसमें ठीक है। दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास। रंजीता कोहली सांसद इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पे है। मैम, जो घटना सामने आई है जहां पर नागल क्रेशर में एक बड़ा हादसा हो गया, एक डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई है, अवैध खनन की शिकायत लगातार सामने आ रही है, इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अवैध खनन लगातार चलता है और उसमें आप देखिए कि पहले भी मैंने इस पे आवाज उठाई थी, लेकिन आए दिन जिस तरीके से घटनाएं होती रहेंगे और आज भी ये घटना देखने को मिली है, ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन प्रशासन का कोई लगाम नहीं है, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, लगातार इस पे चलता है। पहले भी हमारे विजय संत, जो हमारे संत विजयदास महात्मा जी ने भी इसी अवैध खनन के चलते हुए इस तरीके का हुआ था, लेकिन ये कब से हो रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसको लेकर आप लोग आवाज नहीं उठाते? कई लोगों की जानें चली गई हैं। आप देखिए कि कई लोगों की जान चली गई, मैं जब से बनी हूँ और लोगों ने डिमांड करी कि मैम हम लोग बहुत परेशान है, तब से मैं इसको आवाज को लगातार उठा रही हूँ, लेकिन आप देखिए कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर के उसमें इनके जो मंत्री है वो भी लुप्त है, तो ये कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, बस एक आश्वासन देकर रहते हैं। और आज आप देखिए आए दिन जिस तरीके से आज घटना हुई है, उससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन कभी भी आंखें नहीं खोली इन लोगों ने, ये बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, लेकिन आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसमें, क्योंकि लोगों की जान तो जा रही है। हर नेता का यही बयान सामने आता है कि ये हमारे इसमें नहीं है, हम इस पर आवाज उठा रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अवैध खनन होता है। इसमें मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है और जनता उस चीज के लिए शिकायत कर रही है, तो प्रशासन और सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसको हम लोग रोक लगाए, ऐसे नहीं कि हम लोग उसमें लुप्त हो जाए। उसमें आप देखिए उनके मंत्री भी लुप्त है, हाँ अवैध खनन खुलेआम चल रहा है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारे संत जैसे आत्मा दहा कर लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए, दीपक, रंजीता कोहली इस वक्त हमारे साथ थी फोन लाइन पे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इस पर शासन और सरकार नजर नहीं डाल रही है, ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। क्या यही स्थिति है?
देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो खनन माफिया है उनका इतना दुस्साहस है कि वो जब अवैध खनन को लेकर कोई आवाज उठाता है तो उस पर हमला कर देते हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि शासन प्रशासन खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं उनका जो हाथ है वो अवैध खनन माफियाओं के सिर पर रहता है और उन्हें खुलेआम छूट दी जाती है कि आप जो मंचा है वो जिस तरीके से अवैध खनन करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आवाज उठाई जाती है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, जैसे कि सांसद रंजिता कोली ने भी पिछली बार कई बार आवाज उठाई तो इस पर भी हमले हुए। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत करते हैं तो उनको जो है डराया धमकाया जाता है, इस तरह के कई मामले सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ रॉयल्टी संचालक है उनकी भी मिली भगत रहती है, क्योंकि रॉयल्टी संचालकों की जो प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी है उनसे सांठगांठ रहती है और सांठगांठ के चलते जो खनिज विभाग के अधिकारी है वो कार्रवाई नहीं करते और धड़ल्ले से अवैध खनन चलता है, जिससे कहीं ना कहीं रॉयल्टी जो संचालक है उनको भी फायदा होता है, क्योंकि सरकार को तो राजस्व का नुकसान सबसे ज्यादा हो ही रहा है लेकिन आमजन को भी वहां पर नुकसान हो रहा है। इस तरह के कई हादसे हुए हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन लोगों की जान जाने के बावजूद भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक मोटी रकम उस अवैध खनन के जरिए हटते हैं। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से अवैध खनन होता रहा तो ये पहाड़ी जो है आने वाले समय में पूरी पहाड़ियां भरभरा कर गिर सकती हैं और बड़ा नुकसान आसपास के इलाके और आसपास के गांव को हो सकता है। आदेश शहर के झेरडियावास निवासी की हत्या हुई है। आपको बता दें झेरडियावास निवासी नरेंद्र कुमार धोबी की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बसपा प्रत्याशी सहित परिजन थाने में मौजूद है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां पर शहर के झेरडियावास निवासी की हत्या का मामला सामने आया है। सांचौर से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बसपा प्रत्याशी सहित परिजन थाने में मौजूद है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर क्या मकसद था युवक की हत्या के पीछे। क्या ये चुनावी रंजिश थी या ये पुरानी चली आ रही रंजिश थी, इन सभी एंगल्स पे पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। परिजनों ने थाने में शिकायत की है। और एक और बड़ी खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर पत्नी के मायके जाने से पति ने फांसी लगाई है। बड़ी खबर आपको दे रही है, अवसाद में आए पति ने शराब के नशे में फांसी लगाई है। मृतक मुकेश बैरवा था प्रेमपुरा गांव का निवासी। पुलिस ने इटावा अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। अयाना थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव की ये पूरी घटना है। तो पति के मायके जाने पर पति ने खुद को फांसी के हवाले कर दिया। अवसाद में था पति और शराब के नशे में फांसी लगा दी। मृतक मुकेश बैरवा प्रेमपुरा गांव का निवासी था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अवसाद में आए पति ने शराब के नशे में फांसी लगा दी। चलिए